सलाम रहमतुल्लाहि बरकातु। हाँ, मेरी आवाज सबको अच्छे से आ रही है? यस सर, क्लियर। यस सर, थैंक यू। चलिए, कहाँ तक हुआ था बताइए जल्दी से। सो वोट्स फिटिंग रिएक्शन तक। वोट्स फिटिंग हो गया था, माशाल्लाह। चलिए, आप कल रात में आपको बुलाया जा सकता है, आप लोग माइंड मेकअप कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट? यस सर। यस सर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सर, कल रात में क्लास लगाई जा सकती है 8:30 बजे। ओके सर, माइंड मेकअप कर लें अभी से, माइंड बनाना पड़ता है ना आप लोगों का। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोरी, हेलोरिन को एराइल हैलाइड कहते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे पहला है हैलोजेनेशन ऑफ बेंजीन। निकलिया सारे लोग बताइए। यस सर। हाँ, आप देखिए, आराम से सुनिएगा। इस चैप्टर में बहुत सारी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा, SN1 SN2 इलिमिनेशन, फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस। आज आप एक नई रिएक्शन, दिस इज द लास्ट रिएक्शन मैकेनिज्म ऑन दिस चैप्टर। देखिए, ऑर्गेनिक कहता है कि बेंजीन जहां पर भी हो, या बेंजीन लाइक डेरिवेटिव्स। तो बताइए, बेंजीन जो होता है, तो बताइए उसमें पाई इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है कि नहीं? जल्दी बोलिए। हाँ या ना? Yes, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और इलेक्ट्रॉन रिच पर अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रोफाइल। वेरी गुड, बेंजीन, वेरी गुड। बेंजीन एंड बेंजीन लाइक डेरिवेटिव्स, वेरी गुड। बेंजीन लाइक डेरिवेटिव्स शोज इलेक्ट्रोफिलिक। अब देखिए, नई रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं। ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि चारों चैप्टर में आएगा, और 11th में भी आपने डिटेल में पढ़ा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आज आपको इसी के बारे में पूरा करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, इसकी पूरी मैकेनिज्म आज समझाई जाएगी। डन सर। इसका पहला रिएक्शन है, पहला प्रिपरेशन है। अच्छा, ये तो लिख ही दिया मैंने, हैलोजनेशन। तो देखिए, इसमें होता क्या है हैलोजन? ये किसी भी बेंजीन रिएक्शन या बेंजीन लाइक डेरिवेटिव्स का रिएक्शन हैलोजन के साथ कराते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट, सुटेबल कैटलिस्ट दो दो है, लुईस एसिड और ट्रांजिशन मेटल। लुईस एसिड में कौन कौन है? अनहाइड्रस AlCl3, FeCl3, FeBr3, ZnC। दोनों में से कोई एक लेना है, इसमें से कोई हो, ट्रांजिशन मेटल भी लेते हैं, ZnFe ज्यादा मशहूर है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ किसी एक हाइड्रोजन को हटाएगा। देखिए, हैलोजन कैसे आया ये भी आपको बताएंगे, पहले इससे लाइट को लिख लिया है।
Done, sir. Done, sir. Done, sir. अब देखिए इसका जैसे एक मैकेनिज्म बताएंगे फिर किसी भी चैप्टर में मैकेनिज्म आपको बताया ही जाएगा कि इसकी मैकेनिज्म एक ही केसेस में हर जगह है। देखिए ये बेंजीन है, मान लीजिए मैंने Cl2 ले लिया और कैटलिस्ट, तो आप इतनी दफा पढ़ें कि बेंजीन हैलोजन कैटलिस्ट है समझ जाएं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। बेंजीन पर ये देखिए दिस इज कॉल्ड एराइल हैलाइड CL। अब आइए किसकी मैकेनिज्म क्या है पहले लिख लीजिए आप लोग। कैटलिस्ट की वजह यही है लेने की जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये ClCl है, यहाँ FeCN3 लुईस एसिड है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो Cl पर प्लस आएगा, तो देखिए इलेक्ट्रोफाइल बना। तो याद रखिए कैटलिस्ट लेने का मकसद यही है कि यहाँ पर Cl प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। देखिए अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इलेक्ट्रॉन सोर्स टू इलेक्ट्रॉन सिंक होगा। कार्बो केटाइन बना, यहाँ देखिए इससे ये साबित हुआ कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। Done, sir. Done, sir. स्टेप थर्ड स्टेबिलिटी के लिए अब यहाँ पर क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ H प्लस।
पुलिस ने का मकसद ही यही है, मैकेनिज्म आएगा नहीं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि अब यही तीन मैकेनिज्म हर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होगा, तो तीन स्टेप हर जगह बताया नहीं जाएगा, सिमिलर केसेस होंगे हर जगह, यहाँ एच है यहाँ सी एल है, आपके पास एफ ई सी एल फोर माइनस है, ये क्या करेगा इसको खींचेगा, समझा कि नहीं, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा, ये क्लोरोबेंजीन बना, FeCl4 चूंकि ये बेस है तो बेस प्रोटॉन को खींचता है, इस सीएल निकल गया FeCl3 रिजेक्ट, डन सर। सबको समझ में आया ये रिएक्शन, जल्दी बताइए। यस सर। अब आइए, हाँ शिरीन आपको आ रहा है, शिरीन सिसोदिया से, चलिए ऑनलाइन ज्वाइन कर लेती, कभी क्लासे भी करती है इसलिए। खैर शिरीन यहाँ देखें नंबर टू करना चाहिए, यहाँ देखिए सैंड मेयर इस चैप्टर का नाम रिएक्शन लास्ट है, सैंड मेयर रिएक्शन, अब तक आपने टोटल पांच नेम रिएक्शन पढ़ा है, हैलोजन एक्सचेंज में फिंकेनस्टीन स्वार्ट वुड्स वुड्स फिटिंग एंड फिटिंग, याद है सबको? अच्छा अब देखें, यस सर, लिख लिया ये टॉप, हाँ ये टॉप, अब सुनिए अभी कुछ लिखिएगा नहीं, इस रिएक्शन को जानने के लिए एक कंपाउंड अलग से पहले जानना है, जैसे आपके पास है N2 प्लस और X माइनस, इस कंपाउंड को कहते हैं बेंजीन डाइसोनियम डाइसोनियम आयन। अब देखिए ये पढ़ना इसलिए जरूरी है, देखिए सर सैंड मेयर रिएक्शन में यही इसी कंपाउंड का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए मैं पहले पढ़ा रहा हूँ, यहाँ देखिए एन ट्रिपल बॉन्ड है, और केमिस्ट्री में याद रखिएगा ऑर्गेनिक में एन टू बिहेव्स एज गुड लिविंग ग्रुप, N2 behaves as जल्दी से भागेगा, good living group होगा, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा, ठीक है ये सब क्लियर है, अब देखिए इसमें यही करता, अब सैनमियर के साथ मेरे साथ लिखिए फिर उसको बाद में लिखेंगे, यहाँ लिखिए मेरे साथ सर, इसमें यही काम करते हैं कि when treated with cuprous halide, to form C को हम कहते हैं सारे लोग, हाँ या ना जल्दी बताइए। सो वन सेकंड
अब देखिए यही N2Cl है CuCl, तो यहाँ देखिए न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस है। अभी मैंने मैकेनिज्म बताया, पता है यहाँ पर N2 बिहेव्स एज अ गुड लेविंग, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है कि नहीं, जल्दी बोलिए। यस सर, देखिए क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, N2 बिहेव्स एज अ गुड, इसलिए मैंने आपको पहले ये चीजें समझा दी। उसी तरह Cu, ये सब सेंटमियर रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल है Br माइनस, तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। ओके स्टूडेंट, हाँ या ना? यस, N2 बिहेव्स एज अ गुड लेविंग। इससे पहले तो आपने कुछ नहीं लिखाया था, मैं आउट हो गई थी। नहीं नहीं सेंटमियर है, नहीं लिखिए पूरा। Everyone done? Yes. हमने आपने लिखा? तो नो सर, बस थोड़ा सा रह गया सर। ये लिख लीजिए, ये अलग से ये रिएक्शन का पार्ट नहीं, उस रिएक्शन को समझाने के लिए ये आपको अलग से बता दिया गया कि रिएक्शन को समझने में आसानी। लिख लिया? हेलो एवरीवन। यस सर, डन। जो तीसरा है, लास्ट है इसका, ये भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन इसको सैंडमियर नहीं कहेंगे, इसलिए आपको बेंजीन मेरे साथ साथ लिखिए, रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइसोनियम Allied with KI. अब खुद सोचिए KI में न्यूक्लियोफाइल कौन आएगा, जल्दी बोलिए। आयोडाइड आयन आएगा कि नहीं, जल्दी बोलिए। यस सर, यस सर। अब गुड लिविंग ग्रुप है तो यहाँ पर आके लग जाएगा आयोडोबेंजीन, फॉर्म्स आयोडोबेंजीन। ये सैनमियर नहीं है, एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन ये सैनमियर, सैनमियर के लिए कुपरस हैलाइड लेते हैं, फॉर्म्स आयोडोबेंजीन।
into good living group है, gases form में चला जाएगा KCl में. Yes, sir. Done. Done, sir. Done, sir. अब आइए, this is all about of the method of preparation of halogen. Physical properties इसका पढ़ चुके हैं हम लोग. Chemical properties of halogen. अब आइए, आपको मालूम है कि एराइल हैलाइड में भी तो बेंजीन है, हाँ या ना? एराइल हैलाइड कंटेन वन बेंजीन रिंग, इसका भी मेन रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. अब इसी में डिटेल पढ़ेंगे हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन. पांच रिएक्शन हर चैप्टर में होगा, खासकर सेकंड चैप्टर में तो बहुत सारी बातें जो इंपॉर्टेंट हैं वो सब दिया है. तो एराइल हैलाइड कंटेन्स वन बेंजीन रिंग, देयरफॉर इट शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. दूसरी बात कि इफ की एटम bonded to benzene ring contains lone pair electron or negative charge. आपको मैंने जीओसी का जो लेक्चर भेजा था उसमें बता दिया था, देन इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. कौन सा डायरेक्टिंग? और इसमें दो प्रोडक्ट बनेगा. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की बात कहाँ होती है? तो भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की क्या पहचान है? की एटम पर जो रिंग से कनेक्टेड हो उस पर लोन पेयर हो या निगेटिव चार्ज हो. डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. अब देखिए, ये है इसका पहला रिएक्शन जो आएगा हैलोजनेशन. देखते रहिएगा. अच्छा एक मिनट, तो देखिए यही जो बेंजीन रिंग पर है, देखते रहिए, कोई भी हैलोजन है तो की एटम पर लोन पेयर है. रेजोनेंस होता है ना, तो देखिए इलेक्ट यहाँ ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज आया. देखते रहिए, जिनको आज रात में आप जीओसी का वो थर्ड या फोर्थ लेक्चर होगा दोनों को देख लीजिए, जिसमें एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग पढ़ाया गया, दोबारा आज देख लीजिए. तो इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव पर अटैक करेगा, एक तो ये फिर ये. इसीलिए बेंजीन लाइक डेरिवेटिव्स में ये ऑर्थो पैरा डायरेक्ट. अब इसमें पहला रिएक्शन है हैलोजनेशन, क्योंकि ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए की एटम पर जब भी लोन पेयर नेगेटिव चार्ज होगा ये ऑर्थो पैरा होगा. जैसे आपके पास देख लीजिए, ये क्लोरो बेंजीन है, आपके पास Cl2 है, FeCl3 ले लिया, तो यहाँ क्लोरो बेंजीन तो रहेगा ही, क्लोरो ऑर्थो पर भी आएगा और ये मेटा पर भी आएगा.
पैरा का हो जाएगा, जनरली मेजर पैरा होता है, इसलिए इतनी दफा पढ़ लें। ठीक है, कैसे समझा वही गई कि ये टर्म पर, इसलिए मैंने पहले समझा दिया कि नॉट ओनली दिस चैप्टर जिसके की ए टर्म पर, ये पूरा आपको थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर में समझाया गया है, जिसको देखना है तो दोबारा देख लें। सारे लोगों ने लिख लिया, जल्दी बताइए। यस सर। अब आइए इसका दूसरा टाइप है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का नाइट है, हर चैप्टर में आएगा, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंट को समझते हुए पहली दफा, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल बताऊंगा, बाकी चैप्टर में नहीं। नाइट्रेशन में प्रोडक्ट बनाने का तरीका है टू इंट्रोड्यूस नाइट्रो, इसलिए कल ये चैप्टर पूरा खत्म भी हो जाएगा, समझा? इसलिए आप लोग जरूर आएंगे 8:30 रात में जब भी मैसेज जाए, और ज्यादा पढ़ाई नहीं जाएगा, 55 से बना रहे, ज्यादा नहीं पढ़ना है, मूड फ्रेश करके आइए पढ़िए। अब देखिए नाइट्रेटिंग नाइट्रेशन के लिए, क्योंकि पहली दफा है तो थोड़ा सा डिटेल पढ़िए, हम क्या करते हैं, बेंजीन का रिएक्शन नाइट्रेटिंग मिक्सचर्स के साथ कराते हैं। अब चूंकि नाइट्रेटिंग मिक्सचर्स में कंसंट्रेटेड HNO, अच्छा सुनो, नाइट्रेटिंग मिक्सचर्स में लेते क्या है, दो रिएजेंट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जनरली कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस दोनों को लेते हैं, कुछ केसेस में सिर्फ डाइल्यूट HNO3 लेते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि बेंजीन पर NO2 इंट्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोफाइल NO2 आएगा, नाइट्रो बेंजीन बनेगा। अब आइए इस चैप्टर का रिएक्शन, मान लीजिए आपको ये ब्रोमो बेंजीन है, दिस इज हैलोरीन है, आपका रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस को, तो आप इतनी दफा पढ़ लें, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसमें भी नाइट्रेशन है, तो हम ब्रोमो बेंजीन को ऐसे ही लिखें, और देखिए NO2 को ऑर्थो, क्या क्यों, कि ये टर्म पर लोन पेयर होता है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टली होता है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. NO2 कैसे आया होगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है ये NO2 है, H2SO4 कैटेलिस्ट का काम करता है, ये एक दफा बता देता हूँ, ये न्यूक्लियोफाइल इस प्लस पर अटैक करेगा तो OH+NO2, और आप 10 दफा पढ़ चुके हैं जब भी N पर पॉजिटिव चार्ज आए तो ये खींचता है, और जब खींचेगा इस टू, देखिए N दे रहा है तो N पर पॉजिटिव आया, इसको हम इलेक्ट्रोफाइल को, इसका नाम पॉलस जब रहता है कहते हैं नाइट्रोनियम आयन, बॉन्ड का स्ट्रक्चर होता है ये, पूछा जा चुका है नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज, समझ में बात आई, NO2 ग्रुप एक्ट एज अ NO2 प्लस। ओके सर। सब लोगों ने लिख लिया? नो सर। सर एक सेकंड, पीछे वाली स्लाइड पे लगा सकते हैं?
पहले सारे लोग लिख लें, सारे लोग यस सर। ओके सर। सारे लोग यस सर लिखिए। ये भी लिख लिया था यस सर। तीसरा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में टू इंट्रोड्यूस सल्फोनिक ग्रुप। सल्फोनिक ग्रुप होता है SO2H। इसको लिख लीजिए फिर नेक्स्ट स्लाइड। इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो है वो SO3H है, इसका नाम बेंजीन। ये पहली दफा आ रहा है इसलिए थोड़ा डिटेल बता रहा, बाकी में तो आपको डायरेक्टली सब आप सीखिए। डांस डन सर। डन सर। चौथा है फिरेटल क्राफ्ट अल्काइलेशन। सर ये सल्फोनेशन वाला जो था इसके अंदर सर हमारे आई थिंक सेकंड चैप्टर के अंदर से एक वो भी तो आता है कि H2S2O7 ओलियम को यूज करके ये SO3H बनाते हैं। हाँ तो वो भी कर सकते हैं। इसमें हम फ्यूमिंग H2SO4 भी लेते हैं, आपके 11th के नोट्स में है। फ्यूमिंग H2SO4 लेते हैं, फ्यूमिंग H2SO4 को ही कहते हैं SO3H2SO4, इसको ओलियम और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं।
ये भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। क्लियर सारे लोग? यस सर। देन देखिए फ्रीडन क्राफ्ट कैलकुलेशन में टू एंड प्रोड्यूस काइन ग्रुप एंड बेंजीन एंड इसमें क्या करते हैं किसी भी बेंजीन रिएक्शन काइन हैलाइड के साथ कराते हैं। अब कैटलिस्ट जनरली हर जगह हम इसमें तो एकदम एक हटेगा आर पे प्लस इलेक्ट्रोफाइल तो बहुत ही आसान है। जैसे अगर आपके पास क्लोरोबेंजीन है CH3Cl है तो पर CH3 आ जाएगा तो ये Cl हटेगा तो CH3 पर प्लस आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? नो सर, नो प्रॉब्लम। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इसमें जो प्रोडक्ट मैं दे रहा हूं पहले क्वेश्चन आप लिख लीजिए, पहले आंसर बन दीजिएगा प्लीज। जीनो कैंसर
हाँ हेलो एवरीवन, बन गया सबसे? यस सर। यस सर। देखिए पहले में क्या बना, दो प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी बताइए। और यहाँ देखिए सीएल को हटाने पर जिस पर पॉजिटिव चार्ज आए उसी को डायरेक्ट अटैच कराइए। सच सच बताइए, इसी तरह किया है? हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस। CH2CS2, ठीक है भाई। यहाँ पर आपके पास CH3CH2CH2+ बना दो। पता ही कैसे किया आपने? सर और तो पैरा पर लग जाएगा CH2। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर सतर्क रहना, प्रेजेंस ऑफ माइंड। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कार्बो के टाइम भी है, रीअरेंजमेंट, इसलिए मैंने जानबूझ के दिया है। CH+CH3 जो आप लोगों ने लिखा होगा जनरली स्टूडेंट, वो गलत हुआ होगा। खासकर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कार्बो केटायन, इसलिए लिख लें अपने लैंग्वेज में ड्यूरिंग फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल इज कार्बो केटायन, सो द रीअरेंजमेंट मस्ट कीप इन माइंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। लिख लें जल्दी से अपने लैंग्वेज में। सुना सारे लोग? यस सर। अरे बोले ना। यस सर। देखो CH के साथ बोले, हैज एवरीवन, मेरी आवाज आपको साफ सुनाई दे रही है? समझ में आया? यस सर, साफ आ रही है। हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। अरे बोलो ना, साद और आमना, सबको समझ में आया? यस सर, आवाज आ रही है। अच्छा ठीक, तो आपने लैंग्वेज में लिख लीजिए कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्का वी मस्ट की सो द रीअरेंजमेंट मस्ट कीप इन माइंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है? यस सर। Done, sir. सवाले में तो आसान है, क्लोरीन है, बस साइक्लोहेक्सेन लगा दें। अरे बोले, आया समझ ना? यस सर। यस सर। यस सर। हेलो एवरीवन, सर आपको आवाज आ रही है? आपको आवाज नहीं आ रही? हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है, वेरी गुड, आवाज सबकी आ रही है। मेरी आ रही है ना? यस सर, आ रही है। चलिए ओके, ये लिख लीजिए। Done, sir. Done. लास्ट है इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसमें लिखिएगा साइल ग्रुप, साइल ग्रुप का के लिए क्या करते हैं, किसी भी बेंजीन रिंग का रिएक्शन एसाइलेटिंग एजेंट,
और इसमें हम एक लेते हैं, चलिए इसमें एसिड हैलाइड ग्रुप लेते हैं, एसिड हैलाइड का वो हम आर सी ओ एक्स से डिनोट करते हैं। देखिए सी ओ आर एसाइल ग्रुप आ रहा है इसमें, और एक हम एसिड एनहाइड्राइड लेते हैं। डन सर। देखिए बेंजीन पर COR ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, यह है फ्रीडेनक्राफ्ट एसाइलेशन की पहचान। डन सर। यहाँ पे सीएल हटेगा, क्लोरो बेंजीन तो ऐसे ही रहेगा, और बेंजीन पर सीओ सी एस थ्री ग्रुप आ जाएगा। ये याद रखिएगा केमिस्ट्री में ये बहुत ही मशहूर नेम है, जब भी बेंजीन पर सीओ सी एस थ्री ग्रुप आता है उसको हम एसिटो फेनॉन कहते हैं। टू क्लोरो एसिटो फेनॉन, सारे लोग अब आए। यस सर। ये पूरा फ्रीडेन पूरा रिएक्शन हो गया। अब इसमें थोड़ी सी अच्छी बात है सर, और से सुन। पहली बात हमेशा याद रखिए, ऐसे आप पढ़िएगा थर्ड या फोर्थ लेक्चर में, केमिस्ट्री कहता है और इम्पोर्टेंट गुफ्तगू पढ़ाए, रेजोनेंस अफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव अफेक्ट एक्सेप्ट हैलोजन, एक्सेप्ट हैलोजन। इसकी वजह से देखिए क्या क्या बातें तो होता ये है कि इन द केस ऑफ हैलोजन, ये सब लिखा है आपके जीओसी में क्योंकि इम्पोर्टेंट है, हैलोजन का माइनस आई प्लस एम यानी रेजोनेंस अफेक्ट से सारा। दैट द रीजन याद रखें, हैलोजन पे जो एक्स है इसलिए मैंने लेक्चर, इसलिए आज फिर मैं सबको कह रहा हूँ, आप जिनको जिनको मैंने लेक्चर दिया जो पढ़ चुके हैं उनके नोट्स में, कि एटम पर लोन पेयर है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, प्लस एम है, लेकिन ये डीएक्टिवेटिंग है। केमिस्ट्री कहता है यहाँ देखें एवरी ऑर्थो, ये सब सेकंड चैप्टर में बहुत ही अच्छे अंदाज से दोबारा आएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग
आर एक्टिवेटिंग, हर ऑर्थो द्वारा डायरेक्टली एक्टिवेटिंग का मतलब ही होता है रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बढ़ाना, एक्सेप्ट हैलोजन. हैलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है लेकिन डीएक्टिवेटिंग, एक्सेप्ट हैलोजन. क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, माइनस आई ज्यादा होने की वजह से क्या करेगा, वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा, जब घटाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल मुश्किल से अटैक करेगा. इसलिए याद रखिए एवरी, हमेशा याद रखिएगा जो मैं याद रखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जब भी पूछी जाए टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, तो याद रखिए एक्टिवेटिंग ग्रुप सबसे ज्यादा होता है फास्ट. और एक्टिवेटिंग ग्रुप में भी तीन तरह का होता है, ये आएगा मैं बार हाँ बोल रहा हूँ, आप पढ़ लें अच्छे से, स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, वीकली एक्टिवेटिंग, ये सब थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर में. और इसका सबसे ज्यादा यूज आएगा सेकंड चैप्टर में अल्कोहल फिनोमीटर में, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर एराइल हैलाइड. जबकि एराइल हैलाइड ऑर्थो पैरा इसकी भी रिएक्टिविटी बेंजीन से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन एराइल हैलाइड इज लेस रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रीजन यही है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माइनस साइन. उसके बाद डीएक्टिवेटिंग ग्रुप यानी मेटा डायरेक्टिंग जो आप पढ़िएगा थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर, मेटा डायरेक्टिंग की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है. एक्टिवेटिंग में फर्दर तीन तरह का है वो पढ़ना पड़ेगा. अरे मेरी बातें सुन रहे हैं सब लोग, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, मैं ही बोलता जा रहा हूँ. अरे yes, आ रहा है yes, समझ में? तो चलिए लिखिए यहाँ से. तो यहाँ आई क्या है? तो आई इंडक्टिव इफेक्ट है ना? हाँ, फिर तो उस वक्त से तुम समझ नहीं रहे, स्ट्रॉन्ग माइनस आई हमेशा रेजोनेंस डोमिनेंट होता है ओवर इंडक्टिव इफेक्ट से, एक्सेप्ट हैलोजन को छोड़कर. हैलोजन ही ऐसा केस है जहां एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, इसको मैंने इलेवन में रीजन लिखवाया होगा, इतना टाइम नहीं है आपके पास. तो माइनस आई हैलोजन का बहुत ज्यादा होता है रेजोनेंस. Yes, sir, done. तो सारे लोग ने लिख लिया? No, sir. Then, sir. Done, sir. सब लिख लिया ये सारे लोग? यस सर, लिख लिया. इसलिए आपसे पूछेगा मेरे साथ साथ लिखिए, एराइल हैलाइड done, sir. माइनस आई से क्या होता है, इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा लिख लीजिए, व्हिच डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी.
डन सर डन सर भाई इस चैप्टर का लास्ट रिएक्शंस। अब थोड़ा सा मेरी तकरीबन को 5 मिनट बहुत ही अच्छे से सुने कि आपने अल्काइल हैलाइड पढ़ा, इसका आपने पढ़ चुके हैं, एक्वस एनएच के साथ रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, डायरेक्ट अल्कोहल बनाएगा, हाँ या ना जल्दी बताएं। यस सर। सब लोग मिलके बोले सब लोग हाँ। अब देखिए ये एराइल हैलाइड है, एक्वस एनओएच, ओके, यहाँ भी सी एक्स बॉन्ड है, यहाँ भी सी एक्स बॉन्ड है, यहाँ रिएक्शन होता ही नहीं, वही रीजन चूंकि रेजोनेंस होगा तो बताइए पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा और डिफिकल्ट हो जाएगा कि नहीं इसको ब्रेक करना। यस सर। ओएच एक्स को रिप्लेस कर ही नहीं पाता। सुने अच्छे से, एराइल हैलाइड का मेन रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपसे पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, केमिकली बताइए, यही मेन डिफरेंस है कि अल्काइल हैलाइड में भी सी एक्स, एराइल हैलाइड में भी सी एक्स, बट केमिकल प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट। एक का मेन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक का मेन रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। याद रखिए एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करता, लेकिन इसमें अब आपको इस तरह बोलना है कि डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करता। डायरेक्ट का मतलब ये होता है रूम टेम्परेचर आपने रखा नहीं हुआ। अगेन आई रिपीट, एराइल हैलाइड आपको ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, एराइल हैलाइड डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिकॉज़ CX बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड व्हिच बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड डिफिकल्ट टू क्लीवेज। इसलिए एराइल हैलाइड डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करता। डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ कि रूम टेम्परेचर पर नहीं करता, बट कर सकता है इनडायरेक्ट। इसलिए अच्छा कंसेप्ट ये है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेसिकली दो तरह का है, एक है डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और यही होता है SN1 एंड SN2, और ये कौन शो करता है मैं लिखा चुका हूं, अल्काइल हैलाइड अल्कोहल एंड ईथर, और एक होता है इनडायरेक्ट। जब मैं इनडायरेक्ट लिखा करूं तो आप समझ जाइए नॉट एट रूम टेम्परेचर पर नहीं करेगा, नॉट एट रूम टेम्परेचर। और इनडायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन शो करता है, सबसे बेहतरीन मिसाल है एराइल हैलाइड। कैसे करेगा तो ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा उस CX बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट, not at room temperature. The nucleophilic substitution basically two types, direct nucleophilic substitution wo jo alkyl halide alcohol or ether show karta hai, indirect nucleophilic substitution ka matlab jo SN1 SN2 nahi karta hai, jo room temperature par nahi hota hai. To koi ab conclusion koi bhi puche kya aryl halide न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो कर सकता है, करता है, तो आप कहेंगे रूम टेम्परेचर पर नहीं करेगा, मतलब डायरेक्ट नहीं करेगा। हाँ कर सकता है बाय अप्लाइंग ड्रास्टिक कंडीशन, दूसरा बाय प्लेसिंग द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थन पर, जो अभी डिटेल में पढ़ेंगे। सबको समझ में आया यहाँ तक, हाँ जाना जो मैंने बोला, हाँ जाना। yes, sir. Yes, sir. लिखें इस तरह, फिर हम आगे बढ़ते। Done,
सर एक मिनट पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए. डन सर. चलिए लिखिए मेरे शास. डन सर लिख लिया. डन सर. नहीं है चाहे लिख लिया सारे लोग. यस सर. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्वेश्चन देखिए ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब साफ है हाई टेंपरेचर प्रेशर और बॉन्ड को ब्रेक कर देगा. अब ये कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से क्या फायदा होगा एट ऑर्थो पैरा मेटा पर क्यों नहीं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डन सर लिख लिया. इसलिए सारे लोग यस सर. अब डिस्कशन ये होगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऑर्थो पैरामीटर से क्या फायदा है. देखिएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेस्ड सुने अच्छे से एट ऑर्थो पोजीशन. देखिए मान लीजिए सारे लोग देखिए और इलेक्ट्रॉन देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसलिए लगाएंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा. पहली बात जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो लगा ही नहीं सकते. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा तो वही आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कैसे रिएक्टिविटी होती है.
ये हैलोरीन है, मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, सारे लोग ध्यान दीजिए। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में क्या होता है, लिविंग ग्रुप को रिप्लेसमेंट करना पड़ता है लिविंग ग्रुप। यहाँ पर लिविंग ग्रुप एक्स है तो ये इसको अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा। देखते रहिएगा सारे लोग स्क्रीन को प्लीज। जैसे ये हुआ, यहाँ एक्स है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ आपके पास एन डबल बॉन्ड वो है। अब सारे लोग बताइएगा यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलिए। नेगेटिव चार्ज आएगा ना, हेलो। यस सर, यस सर, यस सर। तो आप बताइए जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है उसी पर नेगेटिव चार्ज आया? यस आया। ठीक, पहला तो ये कार्ब एनायन बन गया। अगर ये डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है SN1 SN2, तो SN1 SN2 में कार्ब एनायन नहीं बना था, पहली बार, इसलिए इसको कहेंगे इनडायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसका तो दूसरा नाम भी लिख लीजिए, कहां गया इनडायरेक्ट को ऊपर लिख लीजिए, इट इज कॉल्ड एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लिख लीजिए ARSN, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बोलिए हेलो एवरीवन। यस सर। अब सुने तो कार्बेनायन आपने नहीं पढ़ा, जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल हो जाए तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है, बोलिए हाँ या ना। यस सर, यस सर। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, चाहे NO2 हम लगाते या नहीं लगाते, ये बेंजीन की वजह से तो रेजोनेंस होता ही, हाँ या ना, जल्दी बताइए। ठीक, हमें ये देखना, जो मैं बार उस बात को रिपीट कर रहा हूँ, हमें ये देखना है कि NO2 लगाने से क्या फायदा हुआ। तो देखिए NO2 लगाने से फायदा ये हुआ कि एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्टेट, बताइए ऐसे भी तो रेजोनेंस हो सकता है। हेलो एवरीवन। यस सर, ये बेंजीन के अलावा तो NO2 रखने से फायदा हुआ, कार्बन आयन बिकम्स मोर स्टेबलाइज्ड due to minus I की वजह से भी खींचाएगा और एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगा। सुने अच्छे से, एक्स है, न्यूक्लियोफाइल है, डबल बॉन्ड वो माइनस, फिर ये यहाँ पर, ये यहाँ, ये यहाँ, जो हम डायरेक्ट कर लेते, ये यहाँ डायरेक्ट पैरा पढ़ाता, तो देखिए उसके बीच में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बना। बोलिए ये वही बात हो गई कि नहीं। दिलिए हम यहां से डायरेक्ट ऐसे आ सकते थे कि नहीं, ऐसे ऐसे करके बोलो। तो बेंजीन का होता है, NO2 रहता या नहीं रहते तो अपना स्ट्रक्चर है, लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर हुआ वो एक्स्ट्रा बना, बोलिए हाँ या ना। बोलिए यस सर, यस सर। इसलिए कहा गया कि व्हेन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच एट ऑर्थो पोजीशन, कार्बन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बियर्स नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू विच इट्स कार्बन आयन बिकम्स मोर स्टेबलाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग माइनस आई एज वेल एज मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यही फेनोमेना मेटा पोजिशन पर नहीं होती, जो आपको दिखाया जाएगा। तो पहले इसको लिखिए, लिया। यस सर। अब आइए, व्हेन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्लेस्ड एट पैरा पोजीशन, इसमें भी ये देखिएगा सिमिलर केस होगा, सब कुछ दिखाना, उसके बाद मैं थ्योरी लिखा दूंगा। कल भी आपकी क्लास होगी, या मैं आपको बता दिया हूं, चूंकि कुछ लोग हैं जो मैसेज को देखते ही नहीं है मैसेज को, इसलिए मैंने आज ही बोल दिया है। साथ समझ में आ रहा है ना आपको? यस सर। अब न्यूक्लियोफाइल फिर देखो, यहाँ एक्स को आएगा, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर सिमिलर, अरे इंसिया जुबेरिया को आ रहा है, हेलो। यस सर। आप देखें डबल बॉन्ड ओ
यहाँ नेगेटिव, यहाँ यहाँ एक्स, यहाँ न्यूक्लियो पर देखिए नेक्स्ट, ये यहाँ अब बताओ यहाँ पर भी वही केस हो रहा है ना, जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है उसी पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। बताओ इसमें भी एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, बोलिए। यस सर। यस सर बन जाएगा। यस सर। वही है जिसकी, देखो ये यहाँ ये यहाँ, जल्दी करो जल्दी करो। नेक्स्ट क्लास आज के लेक्चर से साथ कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम अल्कोहल फिनॉल ईथर 3 नवंबर से हम आपका क्वेश्चन डिस्कशन लगातार 1 हफ्ता 10 रोज कराएंगे, हर दिन रात में, सुना? 1 घंटा की क्लास हर दिन रात में होगी, सुना एवरीवन? यस सर। यस सर। हाँ, इसके पढ़ते रहे, पर डे पढ़े, फिर प्रैक्टिस सेशन होगा 3 नवंबर से। डन सर। और डन सर। हाँ वेरी गुड। एक लास्ट अब देखिए, मेटा व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट मेटा पोजीशन, देखिए इसके बाद मैं बहुत ही शानदार थ्योरी लिखवा दूंगा कि आपको पढ़ने में आसानी हो। देखिए एराइल हैलाइड डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करता, कोई कहे क्या कर सकता है तो कहिए कर सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, या तो ड्रास्टिक कंडीशन या बाय प्लेसिंग द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा। कोई कहे क्या मेटा पर क्यों नहीं, तो वही आपको सिखाया जा रहा है, सिमिलर केस है, 3 दफा मैंने समझाया, ये यहाँ NO2। अब देखिए NO2 जैसे यहाँ लगाया है तो ये यहाँ ये यहाँ, अब देखिए NO2 मेटा पोजीशन पर है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, कि जिस कार्बन पर NO2 क्या उस पोजीशन पर आया नेगेटिव, अरे नो ये आया नो सर, नो सर नहीं आया, नहीं आया तो क्या एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग बार होगा, ये तो बेंजीन का तो अपना ना रेजोनेटिंग है, अरे बोलो NO2 रखने से।